जी हाँ, वो है, ऐसा है कि अकबर का जो रोल है वो एक किसी भी अदाकार के लिए एक क्या कहते हैं बाई से शर्फ और फख्र प्राइड वाला रोल है। तो मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये किरदार करने को मिल रहा है। इतने बड़े बड़े अदाकारों ने ये किरदार निभाया है थिएटर में और फिल्मों में हर जगह। तो इस सीरियल में ख़ास तौर से ये दिखाया हुआ है कि अकबर की जो एक शहंशाहत और उसकी बाप होने में जो जद्दोजहद है, वो जंग, उस वो कॉन्फ्लिक्ट जो है बेटे के साथ, वो मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं था। वो जोधा खुद, मतलब जोधा और अकबर की कहानी तो आप जानते ही हैं, बड़ी खूबसूरत कहानी, लेकिन वो इस बात के ख़िलाफ़ था कि उसके शहजादे ने एक रक्कासा सुनाया था और वो नहीं चाहता था कि वो समझता था कि वो कैसे मलिका है हिंदुस्तान से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन बेटे की ज़िद और यही इस फिल्म का, इस सीरियल का कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पसंद आएगा लोगों को, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बिल्कुल एक नए रूप में दिखाई देगा, और क्योंकि फिल्मों में ऐसा होता है कि ज़्यादा आप एलैबोरेटली नहीं कर पाते, लेकिन सीरियल में आपको बहुत स्कोप है। तो इस सीरियल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसके लैविश सेट्स और ब्यूटीफुली माउंटेड तो खैर है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी माउंटिंग की वजह से इसका कॉन्टेंट में ख़राबी, इसका कॉन्टेंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि इसका सेट और इसके कॉस्ट्यूम्स और ये पगड़ी है। तो हर सब कुछ बहुत ही मेहनत से और सोच समझ के बनाया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑडियंसेस इस सीरियल को बहुत पसंद करेंगे। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा है, कितना बड़ा हिट सीरियल है वो, आज के भी ऑडियंसेस देखती हैं, आज का जनरेशन भी देखता है। तो ये जो हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामास होते हैं और ये बहुत इंटरेस्ट करते हैं, इंटरनेट वाला लव भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे बड़ी खूबसूरती आर्ट की यही है, सिनेमा की और टेलीविज़न की, कि आप मुख्तलिफ स्टोरीज पे अलग अलग स्टोरीज ऑडियंसेस के सामने रखते हैं और ये सब कुछ देख सकते हैं। देखिए, एज एन एक्टर मैं अपने किसी भी किरदार को इंटरनलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ एक एक्टर की तरह एक्ट नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर को जीऊँ। वही कोशिश मैंने भी की है, उसकी वॉक, उसके बात करने का अंदाज, और सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं चैलेंज ये भी है कि किसी और एक्टर से मिले ना जिन्होंने किया, तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा चैलेंज है और आई रियली एक्सेप्ट दिस चैलेंज, मज़ा आता है मुझे। अभी तो ऐसे तकिया कलाम पे बात हुई नहीं है, लेकिन क्या तकिया कलाम बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, तखलिया पेश किया जाए। बीइंग अ राजा, तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे गए हैं, और अगर आपने तकिया कलाम की बात कही है तो वो भी उस पर भी गौर किया जाए। व्यूअर्स को यही कहूँगा कि ये बहुत ही खूबसूरत सीरियल है, बहुत अच्छे लविशली माउंटेड है, बहुत क्या कहते हैं इसका जो सेट है और सब कुछ है, इसकी वजह से ये मत समझिए, इसका कंटेंट भी इतना ही पावरफुल है जितने इसके कॉस्ट्यूम्स और जितने इसके सेट्स और जितना लैविशली ये शूट हो रहा है, इसका कंटेंट उससे बल्कि उससे एक कदम ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे यकीन है इस बात का कि आप सब इससे कनेक्ट होंगे, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सीरियल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में देखें। थैंक यू, जय हिंद।
हैं।